पाठ 15 आओ की मात्रा फौज दौड़ मौज मौका चौड़ा नौकर रौनक फौलाद गौरव खिलौना मौसमी कचौड़ी पकौड़ी हथौड़ी मनमौजी चौकीदार सौदागर लौकी बौना पौधा तौलिया नौबी की पतंग। नौबी बंदर बौदी वन में रहता था। एक दिन उसने देखा कोई चीज हवा में उड़ रही है। वह उसके पीछे लपका। वह पहचान गया, यह तो पतंग है। कितनी सुंदर है, रंग बिरंगी पतंग, कागज की पतंग। जैसे ही वह उसे पकड़ने लगा, वह पेड़ पर अटक गई। उसने बड़ी सावधानी से पतंग को पेड़ से अलग किया। जंगल के सभी जानवर नीचे खड़े उसे देख रहे थे। सभी उस पतंग को देखकर खुश हो गए। तभी रौनक कछुआ दौड़ कर आया और बोला, इसे मुझे दे दो, मुझे उड़ाना है। फौलादी शेर दहाड़ा, मुझे दे दो। मनमौजी लंगूर बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे दो। सभी पतंग को खींचने लगे। नौबी बोला, अरे लड़ो मत, पतंग फट जाएगी। आराम से मिलजुल कर इसे उड़ाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। सब समझ गए। पतंग की लंबी डोर पकड़कर कभी रौनक कछुआ उसे उड़ाता, तो कभी फौलादी शेर, कभी मनमौजी लंगूर, तो कभी गौरव कंगारू। वह चंचल पतंग जंगल के ऊपर आसमान में लहराने लगी। नौबी के पीछे पीछे सभी गाने लगे, उड़ी उड़ी रे पतंग, उड़ चली रे।